शाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये फोर्ट्स, ये किले, जहां गलियों गलियों में सोना बरसता था, उस जमाने में इस तरह की कला संस्कृति इतनी विशाल, इतनी खूबसूरत, कि एक एक ईंट लगाने के पीछे बहुत सारी सोच और कला छुपी हो। खून पसीने की मेहनत और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज के यह अद्भुत फोर्ट, नीमराना का फोर्ट तैयार किया गया। हिंदुस्तानियों की मेहनत इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर कलाकृति के रूप में निखर के सामने आई। सूर्य की पहली किरण के साथ जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए, तो फोर्ट की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह तो बस स्तब्ध होकर खड़े रहकर देखने की चीज है। यह सुंदर नीमराना का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसकी दूरी दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर है और ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। द हिस्ट्री ऑफ नीमराना फोर्ट डेट्स बैक टू 15th century। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन अ बैटल, पृथ्वीराज चौहान III फ्लेड टू दिल्ली इन 1464 एंड फाउंडेड द नीमराना फोर्ट। द फोर्ट ऑफ नीमराना वॉज बिल्ट इन 1464 एंड अबैंडन्ड इन 1947। In 1947, Raja Rajendra Singh of Neemrana moved down to Vijayabad as the facade of the fort crumbled. Therefore, this has been abandoned since 1947. The fort was acquired for renovation in 1986 and the hotel was opened in 1991. Today, it has 77 rooms, suites spread over 14 levels. The hotel also houses a pool, a health spa, an amphitheater, hanging gardens, salon, a restaurant, and a rooftop garden. The fort of Neemrana has become synonymous with restoration for reuse. In 2004, Neemrana was nominated for the Aga Khan Award. The beauty is splendid. Keep watching and enjoy the video. हमारे लीडर है, हमारे बड़े भाई है समीर आर्या जी। हाँ, वो हमारे लीडर है। उनका ग्रुप का नाम है अलंकार म्यूजिकल ग्रुप। अलंकार म्यूजिकल ग्रुप। म्यूजिकल ग्रुप कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जयपुर के हैं। अच्छा, आप लोग जयपुर से आए हैं यहाँ पर? हाँ, आप लोग क्या क्या करते हैं? वेडिंग कवर करते हैं और क्या करते हैं? करते हैं शोज भी करते हैं। शोज भी करते हैं। कैसे शो करते हैं? राजस्थानी फोक कालबेलिया डांस ग्रुप जो आपने सुना होगा, चरी भवाई कालबेलिया, सूफी भी करते हैं, दमा दमस कलंदर वगैरह सारे। क्या बनेगा, गाना सुनाइए तो। होला लाल मेरी पथ रखियो बला झूले लालण, ओ सिंधड़ी दा नुपुर दा सखी शाबाज कलंदर। एडवेंचर कैसा रहा? अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा। डरा कौन है? डरा कौन है?
ये नहीं 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 मैंने डरी मेरा रास्ता ऐसा नहीं सेम छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे घूम रहे वो देखो छोटे तुम अगर तुम वहाँ पे भी दुनिया के आखिरी कोने में भी पहुँच जाओगे ना वहाँ भी आदमी मिल जाएंगे तुम। हाँ हाँ वो मंगल ग्रह तक पहुँच गया होगा जी। आपसे सिलसर लेक ऑफ राजस्थान ब्यूटीफुल पहाड़ों के बीच में वेरी नाइस। अलवर के राजा थे विनय सिंह जी उन्होंने बनवाया था अपनी रानी शीला देवी के लिए। अच्छा ये लेक और पहले साथ साथ बनाया गया था। अच्छा ये 1848 के समथिंग बनाया गया। अच्छा और यहाँ पे देखने के लिए क्रोकोडाइल पॉइंट है एक साइड में। हाँ ये लेक का ओवरफुल होता है साइड से। आप दिखाएंगे हमें? नहीं वहाँ पे गाड़ी से जाना पड़ता है वो जहाँ से और पुल होता है लेक। अच्छा उसके बैक साइड में दिखते हैं। अच्छा और यहाँ पे मेन बोटिंग है घूमने के लिए और यहाँ से 9 किलोमीटर आगे दरवाजी टेम्पल है। दरवाजी टेम्पल? हाँ 9 किलोमीटर आगे वहाँ पे वाटरफॉल है। हाँ और यहाँ पे तो ये मेन तो बोटिंग का है। तो ये कितना पुरानी लेक है? 1848 में बनाया मैम 100-150 साल पुराना। तो किस इलाके में आती है ये? क्या इलाके कहलाता है? अलवर का सिलीसेड लेक पहले इसके नाम। अलवर का सिलीसेड लेक। और यहाँ पे और क्या देखने के लिए चीजें? एक तो यहाँ से 30-35 किलोमीटर सरिस्का सेंचुरी है जहाँ पे टाइगर रिवर। आपने एक मंदिर बताया था? हाँ। अच्छा ये पहाड़ों पे भी कोई जानवर है क्या? कौन? यहाँ पे तेंदुआ है। हाँ। और सांबर है, बारहसिंगा है, ये सब है यहाँ पे। हाँ, ये दिख जाते नजर कभी आते हैं? बिल्कुल। कहाँ नजर आते हैं? इस पहाड़ पे नजर आ जाते हैं, इस पे भी आ जाते हैं। हमें दिखाओगे कुछ? फिलहाल दिख जाएगा तो आपको बताएंगे। प्लीज हाँ दिखाएंगे। क्या नाम आपने बताइए? नाम मायराम गुजर है। ओके वेरी गुड। दिल की कहानी याद है मोहब्बत याद है जवानी। भाई बाड़ी के साथ साथ ले चलो भाई। कूलर चाय कोई तो पकड़ो। ये लो मैम भाई डाल दे भैया। चाय कूलर चाय तो और बना लेना, मैं तो एक कप और लूंगी चाय। भैया चाय हमें एक कप और दे देना। हमें भी यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि तिजारा जी जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ भगवान चंद्र प्रभु की पद्मासीन प्रतिमा का दिनांक 15 अगस्त 1956 में सड़क खुदाई के चौड़ीकरण के दौरान प्रादुर्भाव हुआ। अनवरत आक्रमण होने से प्रतिमाएं भूमिगत हो गई थी। मंदिर श्वेत संगमरमर से शोभायमान है और हॉल में की गई नक्काशी चित्रकारी दर्शनीय है। माना जाता है जब अचानक भगवान की मूर्ति का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि प्योर वेजिटेरियन हो और उसी के हाथों इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई। एक छोटा सा फीडबैक हमारे ग्रुप की ब्यूटीफुल वुमेन का। टॉप ऑफ 10 क्या मार्क्स देंगी? 10 में से 10 अभी फुल फुल 15 आउट ऑफ 10 मोर देन एक्सपेक्टेड। ओ माय गॉड 12 आउट ऑफ 10 क्या बात है। लेकिन कुछ को कमी तो लगी?
चलो थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना चढ़ने के बाद, इतना घूमने के बाद हम थके नहीं है। पहली बार ऐसा मेरे साथ लाइफ में हुआ है। अच्छा, इतना कम सोई हूँ मैं, रात को 1 बजे सोए हैं, उसके बाद भी मॉर्निंग वॉक पे चल पड़े हैं। चलो थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मुझे ये कि सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, मेरे से जा रहे हैं, उसमें कमी ना रहे। कैमरे की फुटेज क्लियर ना होने के कारण पूर्ण सुंदरता उभर के आ नहीं पाई। मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार से क्लैरिटी बरकरार रहे। बेफिक्री का समा फिक्र को धुएं में उड़ा, और उड़ाते हुए मुस्कुरा, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अ पीस ऑफ आर्ट, अ मास्टरपीस, अ ग्लेयरिंग ब्यूटी दैट वन मस्ट सी, दैट्स इंडियाज प्राइड, द नीम राणा फोर्ट, an honor to witness such place. A big salute to the workers and the architecture. Proud to be an Indian, to witness such beauty. Jai Hind, Jai Bharat, love you all.